चैनल इंग्लिश टाइम विद मी हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आज मैं एक और वीडियो लाया हूं आपके लिए हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको पता है आ, हमने किया था आम, रूल्स फॉर हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी जी की दो साउंड्स निकलती हैं और कहाँ पर हार्ड जी साउंड देता है और कहाँ पर सॉफ़्ट जी साउंड देता है और इसी किस्म की वीडियो मैं आज फिर से बना रहा हूँ आपके लिए एंड इट इज़ ऑल अबाउट हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी सी हमारे पास है ये भी हमारे पास इंग्लिश में दो साउंड्स देता है एक को हम रिकोगनाइज़ करते हैं हार्ड सी से और एक को हम कहते हैं सॉफ्ट सी जहाँ पर भी ये हार्ड सी की साउंड देता है वहाँ पर ये क साउंड देता है जब ये क साउंड एक वर्ड में देता है दैट मीन्स उसको हम लेबल करते हैं हार्ड सी एंड वेन इट गिवस इज लाइक जब आप दिस इज सॉफ्ट सी साउंड एस साउंड uh, uh, उसके एस की जैसी साउंड ये जब दे दैट मींस इट इज गिविंग इट्स सॉफ्ट साउंड तो इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया है हार्ड सी एंड हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी में तो इसमें हम uh, इसमें क्या डिस्टिंक्शन है कहां पर हार्ड सी हम प्रोनाउंस करें इसको और कहां पर हम सॉफ्ट सी प्रोनाउंस करें हम इसको आज हम वो देखते हैं तो लास्ट वीडियो में जो आपने देखा जी uh, के बारे में हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी के बारे में जो रूल है वही रूल यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे वही रूल इसमें भी अप्लाई होता है कि हार्ड सी हम कहां पर करते हैं और सॉफ्ट सी हम कहां पर करते हैं हार्ड जी हमने देखा था कि जब भी हार्ड जी के सॉरी जी के सामने ए ओ, यू इन तीन वॉवल्स में से कोई भी वावल हो इनके साथ जब जी होता है तो वो हार्ड जी साउंड देता है इसी तरह से आ, सी के साथ जब ए ओ, और यू हो सी के सामने जब आ, इन तीन लेटर्स में से कोई हो तो ये हार्ड सी की साउंड देगा ये क की साउंड देगा सिर्फ ए ओ और यू ही नहीं बल्कि और एनी अदर लेटर इसके अलावा भी जितने लेटर्स हैं सिर्फ इन तीन लेटर्स के अलावा आई ई एन वाई इन तीन लेटर्स के अलावा बाकी जो लेटर्स हैं उनके आ, बाद भी आ, अगर आ, क्या नाम है आ, आ, सी के साथ अगर उन लेटर्स में से कोई सा लेटर यूज़ होता है वहाँ पर भी ये हार्ड साउंड यानी कि क साउंड देगा हमारे पास तो अब मैंने एक कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिस तरह से हार्ड सी आ, का रूल ये है ए हार्ड सी के सी के साथ सी के बाद जब ए ओ और यू हो या इसके अलावा कोई लेटर हो तो ये हार्ड सी की साउंड देता है सॉफ्ट सी कब ये साउंड देता है जब सी के बाद आई ई और वाई इन तीन लेटर्स में से कोई सा लेटर हो तो ये सॉफ्ट सी की साउंड देता है तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कुछ एक्सेप्शन भी हैं इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हार्ड सी आ, की जो एग्जाम्पल है हार्ड सी किन वर्ड्स में यूज किया जाता है मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं लाइक कैन सी ए एन कैन क साउंड क साउंड ये यहां पर देता है दैट मीन इट इज हार्ड हार्ड सी और क्या ए लेटर जो है यहां पर सी के बाद है इस तरह से फिर बाद में मैंने दी है कोल्ड सी ओ एल डी कोल्ड ओ सी के बाद जब ओ हो तो ये हार्ड सी की साउंड देगा क की साउंड देगा कोल्ड एंड देन कप कप सी यू पी कप और यहां पर भी क्या इस यू को सी के बाद यह यू लेटर आया है तो यह हार्ड साउंड दे रहा है हार्ड सी इसको हम यहां कैटेगराइज करेंगे ओके इट इज कप ओके तो आ, इसी तरह से कुछ आ, और एग्जाम्पल्स हैं केबल सी ए केबल यहां पर भी हार्ड साउंड देगा सी ओ आर सी ओ आर एन कॉन कॉन यहां पर भी ये हार्ड साउंड देता है कट सी यू टी कट यहाँ पर भी हार्ड साउंड देता है इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे आ, आ, सर्कुलेट सॉरी कैलकुलेट कैलकुलेट सी ए कैलकुलेट दो सी इसमें हैं और दोनों जगहों पर क्या देता है ये हार्ड साउंड देता है ठीक है इसके अलावा मैंने कहा कि इन तीन लेटर्स के अलावा एक तो इनके साथ जब सी यूज होता है हार्ड साउंड देता है इसके बाद इनके अलावा भी जो दूसरे लेटर्स हैं यानी कि आप ये समझे आई ई e और वाई के अलावा जितने भी लेटर्स सी uh, के बाद आते हैं ये हार्ड साउंड देते हैं ठीक है सिर्फ आई ई e और वाई जब सी के बाद हो सी वहां पर सॉफ्ट साउंड देता है तो इन लेटर्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं वहां सी uh, के बाद जब वो लेटर्स यूज होंगे वहां पर सी जो है यानी कि हार्ड साउंड हार्ड सी की साउंड देगा तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर इसकी भी लिखी है कि इन लेटर्स के अलावा कोई और लेटर अगर सी के बाद है क्राल सी के बाद यहां आर है ठीक है जब सी के बाद इन, के इन लेटर्स के अलावा या इन लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर हो सी के बाद यहां आर है क्रॉल क्रॉल क यहां पर भी क साउंड देता है क्रोड क साउंड यहां पर भी देता है यहां पर भी आर है सी के बाद देन वी हैव क्रच क्रच यहां पर भी है हार्ड साउंड देता है यहां पर भी आर है देन वी हैव क्लीन क्लीन यहां पर भी सी के बाद एल है ठीक है इनमें से कोई भी नहीं है इनके अलावा कोई भी लेटर सी के बाद आए ये हार्ड साउंड हार्ड सी की साउंड देता है क्लीन इसी तरह से है क्लोज तो इन लेटर्स में इन वर्ड्स में हमने देखा कि सी के बाद या तो आर आ रहा है या एल आ रहा है तो ऐसे केसेस में भी सी जो है हार्ड साउंड देगा ओके इट वाज ऑल अबाउट हार्ड सी ठीक है देन वी हैव सॉफ्ट सी जहां पर ये साउंड एस की साउंड देता है दैट मींस इट इज प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट साउंड आई ई एंड वाई ये तीन लेटर्स जब भी सी के बाद ये तीन लेटर्स आते हैं ओके okay, तो सी जो है इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज सॉफ्ट सी मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां दी हैं। सिटी सी के बाद क्या है आई आई सिटी स यहां पर अब क साउंड नहीं निकलती है इट इज साउंड एस की साउंड देता है सिटी फिर दूसरा वो सेंट एस ई एन टी ई यूज हुआ है यहां पर सेंट अगेन साउंड then we have cyclone cyclone c y साई sound फिर से देता है soft sound देता है ठीक है यहां पर बाद में भी एक c है ठीक है यहां पर भी एक c है यहां पर c क्या sound देता है hard why because c के बाद यहां l है इन तीन letters के अलावा कोई भी letter हो c के बाद तो ये hard c की sound देगा क की sound देगा जैसे यहां पर है clone सी के बाद पहले सी के बाद वाई है इसलिए सॉफ्ट सी पहला सी साई उसके बाद सी के बाद एल है दूसरे सी के बाद एल है इट इज अदर देन दीज लेटर्स इसलिए यहां पर सी हार्ड uh, क्या नाम है हार्ड uh, सी की साउंड देगा एंड दैट इज साइक्लोन देन वी हैव प्राइस ठीक है राइट यहां से सी के बाद ई e है though ई e is silent here लेकिन फिर भी लेटर है सी के बाद और यहां पर भी इसको सॉफ्ट सी की साउंड देगा प्राइस देन वी हैव सीरियल सीरियल यहां पर भी सी के बाद ई e है ओके देन वी हैव स्पेस यहां पर भी सी के बाद ई e है ठीक है स्पेस साउंड देता है सॉफ्ट साउंड देता है आइस यहां पर भी सी के बाद ई e है अगेन आइस यहां पर भी सी जो है एस की साउंड देता है सॉफ्ट सी साउंड हम इसको कैटेगराइज करेंगे पुलिस ओके पुलिस यहां पर भी सी के बाद ई e है पुलिस यहां क साउंड प्लीक हम नहीं पढ़ते हैं बल्कि पुलिस पढ़ते हैं एंड देन वी हैव रिसेस रिसेस यहां पर भी सी के बाद ई e है रिसेस सॉफ्ट सी की साउंड देता है वी हैव पेंसिल पेंसिल यहां पर सी के बाद आई है अगेन सॉफ्ट सी की साउंड देता है ये okay, ओके इसके अलावा हमारे पास मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जहाँ पर दोनों सॉफ्ट सी भी यूज हुआ है और हार्ड सी भी यूज हुआ है जैसे सर्कुलेट सर्कुलेट पहले सी के इसमें दो सी हैं यहाँ पर भी सी है यहाँ पर भी सी है पहले सी के बाद आई है सॉफ्ट साउंड सर ठीक है सॉफ्ट सी की साउंड देता है दूसरे सी के बाद यू है ये वाला रूल अप्लाई होगा तो इसकी हम ये हार्ड साउंड यहां पर देता है खूब उख so, साउंड यहां पर निकलती है सर्कुलेट इसी तरह से सर्कल पहला C, पहले सी के बाद आई है सॉफ्ट सी दूसरे सी के बाद एल है हार्ड सी सर्कल देन वी हैव सर्कस पहले सी के बाद आई है दूसरे सी के बाद यू है ठीक है पहला सी सॉफ्ट सेकेंड सी हार्ड सर्कस देन वी हैव सक्सेस सक्सेस ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहां पर यह मैं आपको बताऊं सक्सेस यहां पर डबल सी यूज हुआ है ठीक है यहां पर डबल सी यूज हुआ है अब हम क्या करें ओके सक्सेस इसमें पहला सी जो है इट इज हार्ड सी इट इज हार्ड सी इट की साउंड और दूसरा सी जो है इट इज सॉफ्ट सी वाई पहले सी के बाद कौन सा लेटर है सी और ये सी क्या है सी इज अदर देन दीज लेटर्स, इन लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर सी के बाद आए तो ये हार्ड सी की साउंड देगा जैसे ये पहला सी यहां पर देता है सख साउंड देता है और दूसरा सी पर ये सॉफ्ट सी की साउंड देता है वाई बिकॉज दूसरे सी के बाद फिर क्या आता है ई e, ये कैटेगरी इसलिए दूसरा सी जो है इसमें सॉफ्ट सी है पहला सी हार्ड सी दूसरा सी सॉफ्ट सी की साउंड देता है नाउ वी हैव सर्टन एक्सेप्शन हमेशा जो है रूल्स जो है आ, कभी ना कभी आ, रूल्स में भी एक्सेप्शन होती हैं एंड ही टू वी हैव एक्सेप्शन मैंने यहां कुछ एक्सेप्शंस लिखी हैं जैसे यहां पर सीजर यहां सी के बाद ए है ठीक है और सी के बाद जब ए हो ये वाला केस है तो ये हार्ड सी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं क साउंड लेकिन यहां पर क साउंड नहीं है हार्ड सी की साउंड नहीं है ये एक्सेप्शन है यहां पर हम इसको सॉफ्ट सी ही लेते हैं इसी तरह से इसको पढ़ा जाता है सीजर देन वी हैव सॉकर सॉकर ठीक है है ये भी एक्सेप्शन अब आ, ये ये देखिए यहां पर भी डबल सी था यहां पर भी डबल सी था सक्सेस के केस में पहला सी हार्ड सी दूसरा सी सॉफ्ट सी ठीक है यहां पर दो सी हैं लेकिन दोनों सीज जो हैं देख्यू हार्ड सी साउंड देख्यू हार्ड साउंड दे आर प्रोनाउंस एज हार्ड सीज बोथ ऑफ देम साउंड वाई चाहे पहला सी तो हमें समझ में आता है क्यों पहले पहला सी तो हार्ड सी ही प्रोनाउंस होगा वाई बिकॉज सी के बाद यहां सी ही है ठीक है सी के बाद सी है एंड इट इज अदर देन दीज लेटर ठीक है तो पहला सी हार्ड सी समझ में आ गया दूसरे सी के बाद यहां ई e है सॉफ्ट होना चाहिए था जैसे यहां पर था। यहां पर भी दूसरे सी के बाद ई था और दूसरा सी यहां सॉफ्ट सी था लेकिन यहां पर दोनों सीज जो हैं, सीज हैल्ट -E ठीक है इसको कैल्टिक भी पढ़ते हैं इसको सेल्टिक भी पढ़ते हैं ठीक है सी से पहले जब आई यूज होता है जैसे पैंडेमिक सी से पहले आई ठीक है जियोग्राफिक सी से पहले आई वहां पर भी सी जो है मोस्टली हार्ड सी की साउंड देता है क की साउंड देता है मैंने आपको एग्जांपल्स दी ग्राफिक पैंडेमिक इसी तरह से आ, हम आ, देते हैं दूसरी एग्जांपल्स देते हैं जैसे वीकेंड से सीनिक ठीक है तो इस तरह से बड़ी सारे बड़े सारे वर्ड्स हैं सी से पहले आई वहां पर भी ये मोस्टली हार्ड साउंड देता है दीज तो थी, थी, वर सर्टन एक्सेप्शंस टू तो द रूल नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी रूल इसके बारे में यही कुछ था कि कहाँ पर हम हार्ड सी प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पर हम सॉफ्ट सी प्रोनाउंस करेंगे प्रोनांिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इसको ज़रूर सीखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए लाइक like कीजिए मेरी वीडियोज शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच